हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, दिस इज़ योर मैथ्स पीरियड। सबसे पहले आज हम आपको बता दें कि आज आप पढ़ेंगे चैप्टर 13 टाइम। ओके, टुडेज टॉपिक इज टाइम। ओपन योर बुक एंड नोटबुक, क्योंकि क्वेश्चन नंबर ए आपको बुक में फिल करना है एंड क्वेश्चन नंबर बी आप फिल करेंगे। क्वेश्चन नंबर बी को आप करेंगे अपनी नोटबुक में, जिसमें आपको यूज़ करना है AM एंड PM। ए एम क्या होते हैं? एंटी मेरिडियन। एंड बी एम को क्या कहते हैं? पोस्ट मेरिडियन। ठीक है, यानी जो बिफोर 12 o'clock, ठीक है, 12 o'clock यानी जो दोपहर से पहले, दोपहर में नून, आफ्टर नून कहलाता है PM एंड बिफोर नून क्या होते हैं? AM। ठीक है, हम इसको सही तरीके से अगर देखें तो जब दोपहर में 12 बजते हैं, दोपहर के 12 बजे से लेकर के रात के 12 बजे तक का जो टाइम होता है बच्चों, उसे हम कहते हैं पोस्ट मेरिडियन, यानी उसमें हम टाइम यूज़ करते हैं PM का। और इसी प्रकार से रात के जो 12 बजते हैं, 12 बजे के बाद से लेकर के दोपहर के 12 बजे तक यूज़ करते हैं हम AM, जिसको हम कहते हैं एंटी मेरिडियन। ओके, ये हमने क्लास 3rd में भी पढ़ा था और एक बार फिर से हम पढ़ेंगे क्लास 4th में। उम्मीद है सभी बच्चों को टाइम याद है और आप लोग इस एक्सरसाइज को अपने आप ही फिल करेंगे। सिर्फ मैं एक बार आपको गाइड करने जा रही हूँ। तो सबसे पहले करना क्या है, यहाँ 3 months 4 days दिए गए हैं। 3 months and 4 days को आप किस में करेंगे? मंथ्स में चेंज करना है। तो मंथ को डेज में चेंज करने के लिए क्या करना बच्चे? सबसे पहले 1 month में 30 days होते हैं, तो 3 months में कितने हो जाएंगे? 3 into 30 days, 3 into 30 days यानी 90 days। 90 days में आप 4 days और प्लस कीजिए, कितने डेज होंगे? 94 days। 1 week and 2 days इज इक्वल टू डेज। वीक को जब आप डेज में चेंज करेंगे तो 1 week में कितने डेज होते हैं? यस, 7 days। 7 plus 2 days इज इक्वल टू, बताइए कितने डेज होते हैं? 1 hours इज इक्वल टू मिनट, दिए गए आवर्स को मिनट में कन्वर्ट करना है। 1 hours में 60 मिनट, 2 hours में 2 into 60, 3 hours में 3 into 60। तो बच्चों यहाँ पर 7 hours है, यानी 7 में 60 का मल्टीप्लाई कीजिए तो कितने मिनट आ जाएंगे? 7 6 42 and 10। ठीक है, तो यहाँ पर कितना आंसर आ जाएगा? 420 मिनट। 2 days 10 hours यानी 1 days में कितने आवर्स होते हैं? 1 days इज इक्वल टू 24 hours, 2 days इज इक्वल टू 2 into 24 day hours। अब 24 में आप जब 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो बच्चों कितने आवर्स हो जाएंगे? 48 hours। 48 hours प्लस 10 hours इज इक्वल टू कितने होंगे? ठीक है, तो 48 hours में आप 10 hours को प्लस कीजिए। 3 hours 12 minutes, 1 hour इज इक्वल टू 60 मिनट, तो 3 hours इज इक्वल टू 3 into 60 यानी 180 मिनट प्लस 12 मिनट इज इक्वल टू 180 में आप 12 मिनट को प्लस कीजिए तो कितने मिनट आएंगे बच्चों? 192 मिनट। 1 2 3 4 5 मैंने आपको बताए हैं। अब आपको क्वेश्चन नंबर 6 अपने आप से सोच के करना है कि क्या करना है। ओके, क्वेश्चन नंबर बी में हम आते हैं। राइट द करेक्ट टाइम यूजिंग AM एंड PM। तो बच्चों हमने आपको बता दिया है ना कि 3 hours आफ्टर midnight, midnight जो रात के 12 बजे ना बच्चों, तो उसके बाद 3 घंटे बाद क्या टाइम होगा? 12 o'clock हैं, 12 o'clock में 3 hours और प्लस कर देंगे तो कितने आवर्स हो जाएंगे? कितने o'clock हो जाएंगे? 3 o'clock। अब आप ये बताइए कि जो रात के 12 बजे से सुबह दोपहर में 12 बजे तक का जो टाइम होता है उसमें आप क्या यूज़ करते हैं? AM। तो यहाँ पे लगाएंगे, क्या लिखेंगे? 3
वो क्लॉक, ठीक है, यानी इसको आप लिखेंगे 3 AM, 9 hours आफ्टरनून, 9 hours आफ्टरनून, दोपहर में 12 बजे के बाद जब 9 बजते हैं तो उसमें हम क्या लिखते हैं? यस, हमने बताया दोपहर 12 बजे से रात के 12 बजे तक का जो टाइम होता है उसके लिए हम PM यूज़ करते हैं, पोस्ट मेरिडियन। 5 hours बिफोर नून, दोपहर से पहले का जो टाइम होता है बच्चों वो होता है AM, तो यहाँ पर 5 hours पहले आपको बताना है, दोपहर से 5 घंटे पहले का टाइम क्या लिख सकते हैं आप इसमें? AM। 7 hours 12 मिनट आफ्टर 3 AM, AM लिखा है, इट मीन्स क्या है बच्चों यहाँ पर, ये सुबह के जो 4 बजते हैं ना उससे पहले 3 बजते हैं, तो वो आपको टाइम दिया गया है। और इसके बाद आप इसमें जब कितना प्लस करेंगी, 7 hours, तो कितने मिन बढ़ जाएंगे बच्चों? 3 में आप 7 प्लस कीजिए, 10, ओके, यानी कितना बजेगा? 10 o'clock, 12 मिनट पास 10 o'clock बिफोर नून, तो ये इसमें आप क्या यूज़ करेंगे? AM। 1 hours 40 मिनट बिफोर 12:30 AM, अब 12:30 AM से पहले का टाइम है, इट मीन्स यहाँ पर क्या हो जाएगा कि आप टाइम लिखिए बच्चों, जब आप देख रहे हैं कि 1 hours पहले का टाइम है, 1 hours 40 मिनट, तो ये हमने सब्ट्रैक्ट करना सीखा है ना कि जब 40 मिनट है यहाँ 30 मिनट है, 30 मिनट आप क्या करेंगे इसमें से 11:30 से 1:40 को माइनस कीजिए, जब माइनस करेंगे बच्चों तो क्या टाइम आना चाहिए? यस, इसमें आप क्या लिख सकते हैं आराम से, 1 hour से जब आपने इनको 1 मिनट लेंगे, तो जब आर से आप 1 कैरी लेंगे तो 1 hours यानी 60 मिनट आप ले लेंगे ना इनसे पूरे पूरे, अब 60 में आप 30 मिनट को प्लस करेंगे यानी कि 90 मिनट, और 90 मिनट में जब आप 40 मिनट माइनस करेंगे तो कितने हो जाएंगे यहाँ पर? यस, यहाँ पर हो जाएंगे 90 minus 40 is equal to 50 मिनट, और 11 के स्थान पे क्या हो जाएंगे, क्योंकि आपने इनसे तो 1 hours ले लिया ना, है ना, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 1 घंटा पहले की बात है, तो अब यहाँ पर टाइम हो जाना चाहिए आपका, कितने मिनट होने चाहिए? 9 minutes 50 seconds, 9 hours, सॉरी, 9 hours। तो बच्चों अब आप इस वर्क को अपनी नोटबुक में नोट डाउन कीजिए और सेंड कीजिए, ओके, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।